और सीधा रुख करते हमारे संवाददाता जयप्रकाश शर्मा सीमा और सचिन के साथ में मौजूद हैं, वहीं का रुख करते हैं। खुद पे भरोसा है कि मैं इन्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। जी। तो देखिए ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, सीमा और सचिन की कहानी हम दिखा रहे हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान सीमा लांघ कर यहां पहुंच गई और सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है अब पाकिस्तान में यहां आ गई। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन अब तो आपको ये कहना होगा ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। जी, मानते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो कैसा लगा आप यहाँ आकर के, इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ प्यार पाके। पर दुख हो रहा है मुझे पाकिस्तान की तरफ से कि वहाँ के लोग, अभी मीडिया में भी मुझे आदमी कह रहा था अब तुम गैरत बन चुकी हो, तो वो एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुमने प्यार में किया है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। जो वहाँ लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि आपने गैरत का मामला है तो ऐसा सही है, आपके परिवार वाले आपको कुछ भी कहें, तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। अभी लाइव थे वो एंकर भी उनको कह रही थी कि आप सीमा की जिम्मेदारी उठाने के बगैर तुम आप इनको और डरा रहे हो कि इन गैरत का मसला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गैरत के मसले में औरतों के आम कत्ल होते हैं सर। अच्छा, माना जाता है कि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं, आपको लगा यहाँ ऐसा लगा? पाकिस्तान में यही फेमस करा गया कि हिंदुस्तान में यहाँ बहुत मतलब मुसलमान पे जुल्म होता है। पर मुझे जब दिखाते थे कॉल पे यहाँ की मस्जिद, यहाँ की सब कुछ, नमाजें सब दिखाते थे ये मुझे कि ये मुल्ला है, ये मुस्लिम लड़का है, तो मुझे कभी भी नहीं लगा था। और यही कारण है कि मुझे यहाँ से बहुत प्यार था कि यार यहाँ हमारे यहाँ कैसे बोलते हैं। और हमारे यहाँ मेरे पति कह रहे थे तुम पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही हो, मैं गलत नहीं बोल रही, जो सच है मैं वही कह रही हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे अभी यही धमकाया जा रहा है मुझे और मतलब यहाँ की हुकूमत को कि सीमा भेज दो, वरना यहाँ के मतलब जो हिंदू हैं उनके साथ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? लेकिन अब भारत के अंदर भी वहाँ ये स्थिति है कि जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं उनकी स्थितियाँ खराब है। देखिए ये दिलचस्प स्टोरी आपकी इसलिए बनती है क्योंकि आप पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और पाकिस्तान की कोई खबर होती है तो हिंदुस्तान के लोग बड़े उत्सुक होते हैं, और हिंदुस्तान की कोई खबर होती है तो पाकिस्तान के लोग उत्सुक होते हैं। तो आप क्या वहाँ पर हिंदुओं की क्या स्थिति है वहाँ? वो ज्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, उनको इतनी ज्यादा आजादी नहीं है, और अब उनको डराया जा रहा होगा या वो इन्होंने न्यूज सुनी होगी जो धमका रहे हैं, तो शायद उनको डर तो बैठा होगा। इस बात से मुझे सुबह बहुत दुख हो रहा है, वहाँ हिंदुओं को डराया जा रहा होगा और क्या। अब क्योंकि वहाँ मैं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? जब मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जाओ आप वहाँ जाओ उनकी मतलब सुरक्षा करो, तो वो आदमी कह रहा था नहीं ये गैरत की बात है। तो क्या वहाँ के वो नहीं है? क्या इसमें उनकी गैरत गवारा करती है कि उनको कुछ उल्टा सीधा कहा जाए या किया जाए, तो या हिंदुओं को क्या इनकी वो गैरत ये गवारा करती है? ये कान खोल कर सुनने वाली बात है जो लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, सीमा इधर वही पाकिस्तान में पली बड़ी है, वो कहती है कि यहाँ के जो पाकिस्तान है वो अच्छे से रह रहे। दूसरी बड़ी बात है सीमा इधर ये भी कह रही है कि वहां पर हिंदुओं की जान खतरे में है, वो यहाँ छोड़कर आई है हिंदुस्तान आई है तो वहां पर हिंदुओं पर खतरा बढ़ा है। हाँ, जैसे कि वीडियो में मैंने सुना है वो लोग बना बना के भेज रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे। मुझे डर लग रहा है सर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी हिंदू को थोड़ी तकलीफ हो या किसी मुस्लिम को थोड़ी तकलीफ हो। आपको डर नहीं लगा इतने, आपने चार बच्चों को साथ लेकर फिर सीमा लांघ कर, आप पर कोई वीजा नहीं, बावजूद उसके ये कदम उठाया, क्या इसे हम कह सकते कि प्यार था सचिन के प्रति वो आपको खींच कर लाया? सर मैं जिंदा तो थी नहीं वहाँ पे, मैं तो खुद को मुर्दा ही समझती थी क्योंकि मैं इनके बगैर कभी खुश ना रही, और रोते रोते हमारे दिन रात बीतते थे। तो मैंने रिस्की था समझो कि मैंने कहा चलो ज्यादा से ज्यादा मुझे ही मार देंगे, मेरे बच्चों को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और मुझे इन पे भरोसा था, इनको मैं पहले भी कहती थी अगर कुछ। सचिन में ऐसा क्या खास लगा? सचिन तो बेचारे कमाते भी बहुत कम है, सचिन की पर्सनैलिटी जिस तरह आपके पति गुलाम हैदर ने भी सवाल उठाए थे आप जिक्र भी कर रही थी, तो सचिन में आपको ऐसा क्या खास लगा? क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है कि उसका पति कितना कमाता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या मायने रखती है। ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं पहली बात, मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, फोन पे भी इनके बच्चे नहीं थे तब भी इतना प्यार करते। जब मैं नेपाल आई तो ढेर सारे तोहफे मेरे बच्चों के लिए इन्होंने लेके दिए कि तुम लेके जाओ, और मेरी लड़कियां इनको पापा कह के ही बुलाती हैं, वहीं से ही, सिर्फ यहाँ की नहीं पाकिस्तान से। जब फोन पे तभी कहते मम्मी पापा की फोन आ रही है, इनको पापा ही कह के बुलाती थी, इनकी रिस्पेक्ट। मैं सचिन से पूछता हूँ, सचिन सीमा में आपको क्या खास लगा? जी सर वो क्या कहते हैं बस बात होते होते प्यार हुआ, पता ही नहीं है खास बात की, कोई वो ही नहीं है, बस प्यार हो गया। तो आपको लगता था कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आपसे यहाँ मिलने आ जाएंगी और आपके साथ रहेंगी? नहीं, लगता तो नहीं था, खैर मुमकिन हो गया है। बहुत हाँ, हमने बहुत कष्ट सहे थे, उनकी
पूरी पूरी रात क्या कहते हैं, तो परिवार तैयार है सीमा हैदर को अपनाने के लिए? जी अपना चुके हैं सर। अपना चुके हैं जी सर, तैयार है घर वाले मोहल्ले वाले सब खुश हैं जी सर। तो आप सेलिब्रिटी बन गए आप सीमा, एक सबसे बड़ी बात है पूरी मीडिया में आप सुर्खियों में बनी हुई है, सब लोग सोशल मीडिया पर है, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो ये कभी सोचा था कि वहां जाऊंगी और मैं ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, कभी मेरे फोटो में अगर डालती थी ना इंस्टाग्राम पे तो प्राइवेट डालती थी कि कहीं कोई देख ना ले और मेरे घर वालों को पता ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये क्राइम माना जाता है, अलाउड नहीं है फोटो या वीडियो डालना कहीं पे, क्योंकि बुरके में हम निकलते थे बाहर तो मैं डर डर के डाल देती। अब तो पूरी दुनिया देख रही है और आगरा से मथुरा से दिल्ली से अलग अलग सिटी से लोग मुझसे मिलने आए। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जब कोई महिला ऐसे आती है और जब चर्चाएं हुई कि एक पाकिस्तानी महिला ग्रेटर नोएडा के रबीपुरा में रह रही है तो सवाल उठा था कि वो कहीं जासूस तो नहीं, ये जहन में सवाल आया कि लोग क्या सवाल उठाए क्योंकि कहीं वो जासूसी करने तो नहीं आ गई है, इस तरह का सवाल होता है अमूमन हर पाकिस्तानी के लिए अगर कोई हिंदुस्तानी भी जाता है? बहुत उठे थे, बहुत पूछताछ भी हुई, मैं ऐसे आजाद नहीं बैठी हूँ, मेरी पूरी जांच की गई है, फिर भी मेरे फोन मेरी चीजें मेरे लत्ता कपड़ा वो भी वहीं पे पड़े हैं, अभी पुलिस थाने में ही है तो अभी भी चल रही है, क्योंकि मेरे मकसद प्यार था तो आई थिंक सबके सामने एक दिन आ जाएगा कि मैं प्यार में ही आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ना स्कूल देखा है ना मैं कभी बाहर जाती थी, क्योंकि मैं हाउस वाइफ रही हूँ, पहले एक बेटी बन के घर में फिर एक हाउस वाइफ बन के घर में रही हूँ। तो क्या पाकिस्तान में जो रिश्ते हैं वो तलाक की वजह से टूटते हैं, तीन तलाक बोल दिया जाता है और सारे रिश्ते टूटते हैं वहाँ पर? हाँ वहाँ यही चलता है वहाँ तो, लेकिन यहाँ तीन तलाक पर यहाँ कानून है, यहाँ अब पड़ी है, उसे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, पर वहाँ अब भी चल रहा है सर, ऐसा भी है अगर छह महीने पति पत्नी रिलेशन में नहीं इस्लाम में ये भी है कि तभी डिवोर्स है, तो हैदर ही हमारे से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे मतलब अब नहीं मान रहे सचिन के साथ खुश नहीं। तो आप मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीन तलाक लेकर आए मुस्लिम बेटियों के लिए वो ठीक फैसला रहा है? बहुत अच्छा फैसला रहा है, मैं चाहती कि पाकिस्तान वाले भी ऐसा ही करें, पीएम मोदी की राह पर चले पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीमा हैदर साफ कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए रास्ते पर पाकिस्तान को भी चलना चाहिए, तीन तलाक के कानून को जो बना है उसको बाद। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है भारत में, ये भी बहुत चर्चा है, आप मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो विरोध उठा कर रहे हैं कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, जब एक देश एक हम एक देश में रहते तो एक कानून होना चाहिए, आप मानती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ये कानून बनना चाहिए? सर इतना इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं कुछ भी होते हैं, अगर हैं तो अगर फैसला लेकर तो अच्छा ही सोच समझ के लिया गया होगा, आई थिंक ये होना ही चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल है कि सब जाति मजहब के लिए एक ही कानून होगा, अलग अलग कानून, शरीयत से नहीं चलेगा फिर? बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, और यहाँ ऐसा ही है मुस्लिम हिंदू को, मैं इस खास मुझे मुस्लिम भी सर पे आशीर्वाद ही देके जा रहे हैं, मैं उनको राम राम कर रही हूँ वो मुस्कुरा के खुश हो रहे हैं। अच्छा आप राम राम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ, तो वो खुश हो गए मुझे सर पे हाथ देके आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, हिंदू तो हिंदू मुस्लिम भी सर। Zee News.